कबीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दतवल नालागढ़ मॉडर्न वेल इक्विप्ड ओटी आईसीयू इमरजेंसी लिथोट्रिप्सी एंड फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गायने सर्जरी एंड अदर सर्जरी। बिलासपुर में भव्य शोभा यात्रा के साथ राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सदर बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर ने नलवाड़ी मेले का शुभारंभ बैल पूजन व खूंटा गाड़ कर किया। मेले का शुभारंभ लक्ष्मी नारायण मंदिर से भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। लक्ष्मी नारायण मंदिर से ऐतिहासिक लूनू मैदान तक भव्य शोभा यात्रा ढोल व नगारों की थाप पर निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में केसरी रंग की पगड़ियां पहनकर लोगों ने मेले में उपस्थिति दर्ज करवाई। लूनू मैदान में विधायक सुभाष ठाकुर ने बैल पूजन किया, साथ ही प्राचीन परम्परा का अनुसरण करते हुए खूंटा गाड़ा। इस अवसर पर घुमारवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक राजेंद्र गर्ग, प्रशासनिक अधिकारी व भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक सुभाष ठाकुर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मेले प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के पहचान हैं। बिलासपुर के नलवाड़ी मेले को पूरे देश में कुश्तियों के दंगल के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है और बिलासपुर जिला वासियों को मेले की शुभकामनाएं दी। राज्य स्तरीय मेले के अंदर जो उद्योग विभाग द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी लगाने का मकसद ये है कि जिले के अंदर जितने भी यहाँ छोटे छोटे उद्योग लगे हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ डिस्प्ले कर सकें, ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं इसकी अच्छी बेहतर मार्केटिंग हो सके। और साथ ही इसका ये भी एक मकसद है कि मेले के अंदर बहुत सारे हमारे जो युवा लोग हैं वो आते हैं, घूमने आते हैं, और जब वो इस तरह के प्रोडक्ट्स देखते हैं तो उनके अंदर भी एक ऐसी भावना स्वाभाविक रूप से जागेगी कि वो भी कुछ ना कुछ सोचें और उद्योग स्थापना के लिए वो भी कुछ कोशिश करें। तो ये उद्योग विभाग की तरफ से ही आप यहाँ प्रोडक्ट्स बहुत सारे देख सकते हैं जो कि हमारे यहाँ बिलासपुर के ही अंदर लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए हैं, उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ आई और हमारी संस्था का उद्देश्य प्रदर्शनी लगाने का मेले में यही है कि हम लोगों को बता सकें कि कैसे व्यसनों से मुक्त हो सकते हैं और जो भी पापाचार भ्रष्टाचार फैला हुआ है हमारी संस्था कैसे स्वयं को परिवर्तन करे वो सबको सिखाती है। और मेन यहाँ एक मेडिटेशन सिखाया जाता है जिसको सहज राज कि कैसे परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर बुराइयों से बच सकते हैं। और यहाँ बताया जाता है कि हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, कैसे हम उनका ध्यान लगाएं, कैसे अपनी बैटरी को चार्ज करें और बुराई को विजय प्राप्त करें। मेले से जो गुरुज लेके जाता है वो पूरे हिंदुस्तान में, भारत वर्ष में उसको एक सम्मान की दृष्टि से अपने उस खेल में देखते हैं। यह उन लोगों से आप जानकारी लें, यह स्थान है यहाँ की कुश्ती का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसका आनंद लें। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारी सभी महिला मंडलों की बहनें यहाँ आई हैं, आप भी कार्यक्रम देंगे और सांस्कृतिक संध्या को भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और आप सभी की कमेटियों के माध्यम से आपके मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन भी किया गया है, आप उसका लुत्फ भी लें। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत बड़ा आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा और यह भी कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से आप सभी लोगों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर से जो शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए उससे आज जो ये संदेश गया और महसूस किया है कि यह मेला लोगों ने अपना मेला मान के इसमें जो सहभागिता आपने की है, जिसमें आप भाग लिया है, सभी लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी पंचायतों के लोग और सभी लोग जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ आपने वहां से शोभा यात्रा में आप आए हैं, इसके लिए भी मैं यहां का विधायक होने के नाते आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं, आपका धन्यवाद भी करता हूं। मेले से जो गुरुज लेके जाता है वो पूरे हिंदुस्तान में, भारत वर्ष में उसको एक सम्मान की दृष्टि से अपने उस खेल में देखते हैं। यह उन लोगों से आप जानकारी लें, यह स्थान है यहाँ की कुश्ती का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसका आनंद लें। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारी सभी महिला मंडलों की बहनें यहां आई हैं, आप भी कार्यक्रम देंगे और सांस्कृतिक संध्या को भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और आप सभी की कमेटियों के माध्यम से आपके मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन भी किया गया है, आप उसका लुत्फ भी लें। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत बड़ा आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा और यह भी कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से आप सभी लोगों ने
लक्ष्मी नारायण मंदिर से जो शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए, उससे आज जो ये संदेश गया और महसूस किया है कि यह मेला लोगों ने अपना मेला मान के इसमें जो सहभागिता आपने की है, जिसमें आप भाग लिया है, सभी लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी पंचायतों के लोग और सभी लोग जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ आपने वहां से शोभा यात्रा में आप आए हैं, इसके लिए भी मैं यहां का विधायक होने के नाते आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं, आपका धन्यवाद भी करता हूं। बिलासपुर से ऋषि प्रभाकर की रिपोर्ट।